नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको बता रहे हैं दूध और चावल का खीर बनाना। तो इसमें जो उपयोग होने वाली वस्तु है वो है दूध। दूध हमने 1.5 किलो लिया है। यह है काजू, मैंने थोड़ा सा काजू ली हूँ, थोड़ा सा किशमिश ली हूँ। यह है 4 छोटी इलायची जिसे हम कूट कर इसका अंदर का बीज निकाल लिए हैं। यह है गरी पाउडर, यह है चीनी और यह है 200 ग्राम बासमती चावल महीन दाना का। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हा को ऑन करेंगे और हम दूध को चूल्हा पर चढ़ा देंगे। दूध मेरा उबाला हुआ है, उबला हुआ दूध है। अगर आपका दूध कच्चा हो तो पहले उसे उबाल लें तब उसमें चावल डालें, लेकिन मेरा दूध उबाला हुआ है तो हम इसमें चावल डालेंगे। मेरा चावल धोया हुआ है, 4-5 पानी से हम चावल को अच्छी तरह से धो लिए हैं। आप भी इसे अच्छी तरह से धो लेंगे इसलिए कि चावल में गंदगी रहता है। अब हम इसे अच्छी तरह से चला रहे हैं। देखिए दूध और चावल अच्छी तरह से उबल रहा है। तो अब हम फ्लेम को धीरे कर देंगे इसलिए कि दूध है, दूध ऐसा ना बर्तन से बाहर आ जाए। और 15 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से चावल को दूध में पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाएगा तब हम इसमें काजू, किशमिश, इलायची और जो गरी पाउडर है वो डालेंगे। देखिए चावल अब पक चला है। अब हम इसमें जो गरी पाउडर रखे हुए हैं वो डाल देंगे। और जो काजू रखे हुए हैं वो डालेंगे, इलायची जो रखे हुए हैं छोटी इलायची का दाना वो डालेंगे और किशमिश डालेंगे। ये सब डालने के बाद हम अच्छी तरह से 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर उसके बाद हम जब फ्लेम को बंद करेंगे तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए अब खीर बनकर तैयार है अच्छी तरह से। अब हम चूल्हा के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अंदाज से जितना आप मीठा खाते होंगे उस हिसाब से इसमें चीनी मिलाइए और इसको भी अच्छी तरह से चला दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। जब चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए तब इसे सर्व कीजिए। देखिए मेरा चीनी अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम चूल्हा पर से इसको नीचे उतार लेते हैं। देखिए नीचे उतार लिए हैं और हम इसे कटोरा में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। कटोरी ली हूँ, मैंने कटोरी में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए खीर बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए खीर बनकर तैयार हो गया है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।